हालेलुया। क्यों परमेश्वर इंसान मन के धरती पर आया? अगर पाप इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होता, अगर हमारी समस्या इतनी बड़ी ना होती, नरक इतना भयानक ना होता, परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं थी। आज हम परमेश्वर को जानकर भी उसकी मार्ग की तैयारी ना करके संसार के मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। देखो बाइबल में लिखा है, मत्ती की वचन हम निकालेंगे, उसका 5 उसका 7 में लिखा है, 29 से पढ़ते हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। कितनों को समझ आ रही है? अगर ये कोई नॉर्मल बात होती तो परमेश्वर हमें इतना कठोर वचन ना देता। नरक एक इटर्नल जगह है, अनंत काल के लिए उसमें से निकलने का कोई मौका नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि यदि तेरी आँख तुझसे ठोकर खिलाए, हाँ, उसे निकाल के फेंक दे, ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक में जाए। तेरा हाथ अगर तुझसे पाप कराता है तो उसको काट के फेंक दे, ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक में जाए, डाला जाए। हालेलुया। और ये बात कोई और नहीं, खुद यीशु मसीह हमें कह रहा है, क्योंकि वो जानता है, वो आदि और अंत है, वो सारी बातों को जानता है। और इस समय पर जब दुनिया में इतनी डिस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है और सबसे अधिक आंखों के द्वारा पाप, हम मसीह की दे, हालेलुया, हमें पवित्र होना है। और इन अंतिम दिनों में जब एंटीक्राइस्ट अपने किंगडम को तैयार कर चुका है और बस उसको फिजिकली रूप में आना बाकी रह गया है, बाकी वो तैयारी कर चुका है और वो आने वाला है बहुत जल्द। बाइबल में उसके विषय में क्लियर लिखा है, हालेलुया, 2 थिस्सलुनियों उसका 1:2 को हम देखेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या? यीशु के आने और हम सबको उसके पास इकट्ठे होने के विषय में, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का, सत्य का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश के पुत्र, एंटीक्राइस्ट के बारे में बात हो रही है, प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी उसे रोक रहा है और वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। पौलुस यहाँ पर 2000 साल पहले ये बातों को लिख रहा है कि एंटीक्राइस्ट का जो आत्मा है वो हर एक कलीसिया में, हर पीढ़ी में काम करता रहा लोगों के बीच में से।
एंटी क्राइस्ट फिजिकली रूप में अभी उसका प्रकट होना है, लेकिन आत्मिक तौर पर वो हर एक सेंचुरी में, हर एक पीढ़ी में, हर एक कलीसिया में वो कार्य करता रहा। वो कैसे कार्य करता रहा? लोगों के बीच में से वो, क्योंकि वो एक स्पिरिट है और वो काम करता रहा और अभी भी कर रहा है। अभी जो उसका कार्य है वो बहुत ओपन हो चुका है और उसका प्रकट होना बहुत ही जल्दी है। और लिखा यहाँ पर अभी एक रोकने वाला है और वो है पवित्र आत्मा जो तुम में रहता है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा और जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करें। हालेलुया। जब लोग सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उनके अंदर एक भटका देने वाली, उनको उनके मार्ग से, उनको सत्य से, उनको परमेश्वर की आगमन की तैयारी से क्या होगा? वो सामर्थ उनको भटका देगी। और जब वो भटक जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, वो सच को झूठ बोलेंगे और झूठ की प्रतीति करेंगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वो सब दंड पाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि शैतान क्या है? लोगों को धोखा देगा। मैं आपको बता रही हूं कि आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शैतान वही पुराना है, याद रखिए। उसकी फितरत है लोगों को धोखा देना। वो आपको वो चीज दिखाएगा जो सुहावनी है, जो आपके मन को अच्छी लगती है, और उसके बदले में आपसे कितना कुछ वो ले लेगा आप सोच भी नहीं सकते। अदन के बाग में क्या हुआ था? उसने औरत को, हब्बा को, आदम को क्या दिखाया? फल। हाँ, बहुत सुंदर है, इसको खाने से तुम बहुत बुद्धिमान बन जाओगे, तुम बहुत परमेश्वर से भी ऊंचे हो जाओगे। और वो क्या दिखा रहा था? लालच। वो क्या कर रहा था? क्या वो सच बोल रहा था? सच बोल रहा था? क्या था वो? धोखा। समझ रहे? और उसने बोला कि देखो ये कितना मनभाऊ है, ये कितना अच्छा है, इसको पाके तुम कितना कुछ अचीव कर लोगे, कितने बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर से भी बड़े हो जाओगे। क्या था वो? वो सच था? क्या था? धोखा। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जैसे ही वो फल खाया, फल तो फिजिकल में खाया, शैतान आपको फिजिकली लालच दिखाता है, पर बदले में उसने क्या क्या खोया? उसका सबसे पहले परमेश्वर के साथ जो संगति थी, जो मेल मिलाप था, जो इटर्नल लाइफ थी उसके पास, जो अधिकार थे उसके ऊपर पूरी धरती के, समुन्द्र के, आकाश के, सारी चीजें क्या करी उसने? छीन ली। क्या दिखा के? धोखा। हालेलुया। आज भी डेवल वही पुराना सांप है, वही लूसीफर है, और आज भी वो कलीसिया को क्या दिखा रहा है? हाँ, ये देख, ये तुझे मिल जाएगा ना तेरी वाह वाह हो जाएगी, ये हो जाएगा ना
तू सबसे ऊंचा हो जाएगा, ये मिल जाएगा ना तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे पास ये चीज होगी ना फिर सब, क्या कर रहा है वो, तू सबसे बुद्धिमान हो जाएगा, सबसे स्पेशल हो जाएगा। और वो क्या दे रहा है आज कलीसिया में लोगों को, क्या दे रहा है वो क्या दिखा रहा है, वर्ल्डली चीजें, वर्ल्डली पोजीशन। जब वो चीजें वो दिखा रहा है और लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बदले में क्या कुछ लेगा तुमसे, तुम्हारा इटर्नल लाइफ छीन लेगा वो, तुम्हारी वो शांति, तुम्हारा जो वो रिलेशनशिप है परमेश्वर, वो छीन लेगा। वो देता तो फिजिकल में है, पर जो छीनता है वो आत्मिक चीजें छीनता है, वो इटर्नल चीजें छीनता है, समझ रहे? वो जो भी तुम्हें देगा वो कितने दिन के लिए, कुछ साल के लिए, हम नहीं जानते प्रभु कब आएगा या हम प्रभु के पास कब जाएंगे, लेकिन वो कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। पर जो छीनेगा वो कब तक के लिए, अनंत काल के लिए। हालेलुया। और आज वो अंतिम दिनों में भी यही काम कर रहा है। वो क्या दे रहा है लोगों को, ये कर लेगे ना तो ऐसा हो जाएगा, तेरे को ये मिल जाएगा ना, होना कुछ नहीं होना। पर वो क्या है, बाइबल में लिखा है शैतान का हर प्रकार का धोखा, यहाँ पे क्लियर लिखा है, हम अगर इसको पढ़े, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, किसी के धोखे में ना आना। लोग, शैतान वो धोखा दिखा के आपकी संगति चुराएगा, शैतान वो धोखा दिखा के आपकी प्रेयर लाइफ चुराएगा, शैतान वो धोखा दिखा के आपका फर्स्ट जो लव है परमेश्वर के साथ वो चुराएगा, आपकी सेवा चुराएगा। लेकिन बदले में क्या है, वो कुछ चीजों का लालच, वो फल जरूर दिखाएगा तुम्हें कोई ना कोई, वो धन का फल हो सकता है, वो पोजीशन हो सकता, लेकिन जो पोजीशन प्रभु ने उनको दी थी आदम और हब्बा को, वो कब की, वो इटर्नल पोजीशन थी उनकी, वो असली पोजीशन थी उनकी, वो असली अधिकार थे उनके पास, लेकिन वो नकली चीजों को देके उसने असली पोजीशन को छीन लिया। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता कि दुनिया में आपकी पोजीशन क्या है, दुनिया में आप कहां पे स्टैंड करते हो, मसीह में आपकी पोजीशन क्या है ये मैटर करता है। मसीह में आप कितने सामर्थी हो, आपका क्या स्टैंड है। हालेलुया। और यही धोखा आज शैतान कलीसियाओं को दे रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी एजुकेशन की है, आपने क्या पढ़ाई की है, कितनी आपको इंग्लिश आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, पर आप मसीह में कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मसीह में कितनी पोजीशन है, वो मायने करता है। हालेलुया। पौलुस की संसार में क्या पोजीशन थी, पर उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने मसीह में उसकी क्या पोजीशन थी, वो स्वर्ग भी जानता था। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, तुम्हें वो धोखा देगा अंत के दिनों में, अभी एक ही झटका लगना है, एक ही दिन में, और ये बहुत जल्दी होने वाली है चीजें, इसमें अब टाइम नहीं लगेगा, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो कंट्रोल कर चुका है चीजों को जिसको उसने करना था, अब बस उसका प्रकट होना बाकी है, और वो बोलेगा चिप लगाओ, जो नहीं लगवाएगा सब कुछ। उस समय कौन तुम्हें बचाएगा, बोलो क्यों बचाएगा, हाँ? अगर तुम आज कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम कल को भी करोगे, अगर आज तुम स्ट्रांग होगे, आज मजबूत रहोगे, आज अपनी प्रार्थना का जीवन मजबूत रखोगे, प्रभु की संगति रखोगे और संसार के धोखे को ना कह के परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, तब परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा।
हालेलुया। लेकिन जो लोग आज संसार की चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो कभी भी स्टैंड नहीं रख पाएंगे उस टाइम पर जब एंटीक्राइस्ट का राज्य आ जाएगा। और शैतान क्या दिखाएगा आपको पता है? डेवल क्या दिखाएगा? धोखा, फायदे, तो फायदा होगा, तुम्हें ये बड़ा सा घर मिलेगा, तुम्हें ये दिया जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। और जो लोग आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो छोटी बातों में समझौते कर रहे हैं, वो उस टाइम भी समझौते करेंगे। ये लिख के ले लो आज मुझसे, क्योंकि परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इस समय पे जो लोग धोखा खा रहे हैं वो धोखा खाते चले जाएंगे, पर जो अभी चौकस है वो आगे भी बचाए जाएंगे यीशु के नाम से। इसीलिए कलीसिया में प्रार्थनाएं रखी जाती हैं कि जब वो एकदम से वो चीजें तुम पे प्रकट हो तो तुम्हारे लिए कुछ नया ना हो और तुम उसके धोखे में ना आओ। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा तुम्हें अकेला करके तुम्हारी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में संगति में बढ़ो, चारों तरफ से अटैक। एक से पढ़ेंगे हम इसे, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। कैसे मनुष्यों से बचना है? टेढ़े और दुष्ट मनुष्य, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। भेड़िए कहाँ आएंगे? क्या लिखा प्रभु ने? भेड़िए कहाँ आएंगे? भेड़ों के बीच में। किसका रूप लेके? भेड़ का रूप लेके। लिखा नहीं लिखा? इन अंतिम दिनों में शैतान मनुष्य के रूप लेकर कलीसियाओं में घुसेगा ताकि लोगों को भरमा सके, लोगों को, विश्वासियों को फाड़ के खा सके, उनकी जो लाइफ है परमेश्वर के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों से बचे रहो, जो तुम्हारी आत्मिक चीजों को तुमसे क्या करते हैं? छीनते हैं। तुम्हारी शारीरिक चीजें जाती हैं, जाए उनके पीछे मत लगो, जो छूटता है छूट जाए, पर तुम्हारी जो आत्मिक लाइफ है वो हिलनी नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आत्मिक लाइफ हिलनी नहीं चाहिए हमारी। संसारिक जो छूटता है छूट जाए, क्योंकि वो हर प्रकार का धोखा होगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है? ये दुष्ट और टेढ़े लोग कौन है? क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ये कौन से लोग हैं? जिनके अंदर परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास नहीं है। ये संसारिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग हैं, ये शैतानी लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। ये कहते तो हैं हम कि मसीह हैं, हम परमेश्वर में हैं, हम चर्च आते हैं, हम भी वो कहते तो हैं, वो तुम्हारे बीच में ही हैं, वो तुम्हारे पास ही आते हैं, वो मसीह बनकर आते हैं, पर वो कौन है? दुष्ट और टेढ़े मनुष्य जो तुम्हारी दौड़ से तुम्हें वंचित करते हैं। हालेलुया। और प्रभु क्या कह रहा है? इनसे चिपके रहो। हाँ, क्या लिखा यहां पे? इनसे बचे रहो। बच के क्या कह रहे प्रभु? जो तुम्हारे पास है उसको थामे रखो, बचे रहो। हम कैसे? हम पास में खड़े हैं, सुन रहे हैं,
अच्छा तुम नहीं आ रहे प्रार्थना में, अच्छा अब मैं भी नहीं चलता, मैं भी नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर जंगली बीज, वो तो संसारिक है, संसार में जा रहे, शैतानी है, पर क्या करना चाहते हैं? उनमें विश्वास नहीं, पर तुम्हारे अंदर विश्वास है। तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी दौड़ को, तुम्हारे जो चाल है उसको खराब करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? ये दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों से, ये सींग लगा के नहीं आने के, काला मुंह करके, लाल मुंह करके या सींग लगा के आएंगे और तुम्हें पता लग जाएगा इनका, इनकी बातें गुड़ से भी मीठी होंगी। शैतान कैसे आया था अब्बा के पास? अब्बा कैसी हो तुम? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या तुम सारे फल खा सकती हो? कितनी उसे तारीफ की होगी अब्बा की। एक ही दिन में तो नहीं, अब्बा को तो पता था वैसे, ऐसा नहीं है कि अब्बा को नहीं पता था कि फल नहीं खाना, पता था उसको। आप सोचो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें उसने करी होंगी, कैसे उसके मकसद से, उसके उसकी डेस्टिनी से उसको दूर कर दिया होगा। ये ऐसे नहीं है उसकी उसकी, इसीलिए प्रभु ने क्यों बोला चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहो? बोला नहीं बोला? कितनी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं आप सोच नहीं सकते। अच्छा ये फल खाने से मना किया है। वो शैतान पता क्या करता है, ध्यान रखना, उसने क्या किया, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर ने इनको क्या बोला है। उसने क्या बोला, क्या तुम सारे फल खा सकते? वो ना, वो रोज आता था अब्बा के पास, डेली आता था, और वो कुछ ना कुछ बात ढूंढ रहा था जिससे उसको परमेश्वर से दूर कर सके, परमेश्वर के खिलाफ कर सके, वो कुछ ढूंढ रहा था उसकी लाइफ में, और वो रोज उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता था। और एक दिन जब उससे बातें कर रहा था, बातें वो रोज ही करता था, लेकिन एक दिन उसे ऐसी बातें, उसको क्या है पता चल गया। शैतान भी पता है कैसे बातें कर, अच्छा चर्च जाते हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया, हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कभी नहीं वो तुम्हारे विरोध में बोलेगा, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, वो तुम्हारे अंदर फीलिंग को, किसी चोट को, किसी बात को, तुम्हारी कमजोरी को, तुम्हारी निर्बलता को ढूंढेगा। अच्छा इसको बुरा मानने की आदत है, ये लालची है, वो तुम्हारे अंदर की जो कमजोरी है वो ढूंढ लेगा और उसी के द्वारा वो काम करेगा। समझ आ रही है आपको? और हो सकता है आपकी किसी से बनी ना हो या आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो, वो क्या करेगा, उसको खींच के इतना बड़ा कर देगा कि तुम्हें और कुछ सोचने ही नहीं देगा, तुम वो ही सोचोगे बस, और तुम्हें सब बुरे लगेंगे, सब खिलाफत तुम्हारे मन में भर देगा। हालेलुया। उसने क्या किया, वो आदम और हब्बा जो परमेश्वर ने जिनको बनाया, उसी परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो क्या कह रहा परमेश्वर, ऐसे टेढ़े और दुष्ट लोगों से चिपके रहो। क्या करो, बचे रहो, बचे रहो। कभी भी अपनी फीलिंग को मत बताओ किसी को, उसको खुद डील करो होली स्पिरिट के फलों के द्वारा, क्योंकि हर एक के अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु को डील करने दो, होली स्पिरिट को डील करने दो अपने साथ, नहीं है तो अपने अगुओं की मदद ले लो। पर एक व्यक्ति जो खुद कमजोर है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, वो आपको अपने स्तर पे ले आएगा। हालेलुया।
क्या लिखा, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। क्या करेगा? स्थिर करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया स्थिर हो जाए। कोई सताव, कोई चीजें, कोई दुष्ट, कुछ भी, कलीसिया हिले ना बिल्कुल भी, स्थिर हो जाए। ये प्रभु की इच्छा है। अगर कलीसिया स्थिर होगी तो प्रभु क्या कहता है, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परंतु प्रभु सच्चा है और तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन? परमेश्वर। कब रखेगा? जब तुम दुष्ट लोगों से बचे रहोगे। हमें प्रभु के में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज को और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। कितनों को समझ आ रही है बात? अभी बहुत जल्द संसार में बहुत कुछ होने वाला है। अभी शैतान कहाँ है? आकाश में है। और वो अब उसके वो तैयारी हो गई है नीचे सारी। उसने पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को अपने हाथ में कर लिया, पूरे वन वर्ल्ड ऑर्डर। हमें लग रहा है लगेगा, अभी हम उसी में चल रहे हैं। अब व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं है, पता? आप ये नहीं करोगे आपका ये बंद हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे आपका ये बंद हो जाएगा। अब आपके जीवन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है। समझ आ रही है? किसी के हाथ में। अभी शैतान को आम लोगों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम दिक्कत करोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा कंट्रोल पूरा खत्म है। अब इसीलिए इस समय अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को सरेंडर कर दो, पूरी तरह प्रभु को दे दो। वो तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा, हमेशा तुम्हारा बचाव करेगा। और इस समय प्रार्थना में जुट जाओ। समय बाकी है, समय रहा नहीं है। अब मैं सच में बोल रही हूँ, सच सच बोल रही हूँ, समय नहीं है। अब समय खत्म हो गया, हम अंत के अंत में पहुँच चुके हैं।